सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉयल। एलुवियल का मतलब होता है जो पानी के साथ बह के मिट्टी नीचे आती है, उसको हम एलुवियल सॉयल कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, सबसे ज़्यादा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। एन इम्पॉर्टेंट सॉयल, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉयल। जो हिमालय पर्वत है वो नया पहाड़ है और वहाँ की जो मिट्टी है नरम है, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पिघलती है तो पानी के साथ बह के जो मिट्टी आती है उसको एलुवियल सॉयल कहते हैं। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है सारा इस मिट्टी का बना हुआ है। पहले टैथी सी था यहाँ पर और वो सारा गहराई जो थी सारी वो भर गई। दीज हैव बिन डिपॉजिटेड बाई थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर रीज सिस्टम्स। तीन हिमालयन रिवर्स के सिस्टम है, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इंदस नदी है जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है, इंडिया के चाइना में बहती है, अपने साथ बहुत सारी ऐसी मिट्टी लेके आती है। दी सॉयल्स है आल्सो एक्सटेंडेड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। बीच बीच में से ये जो मिट्टी है राजस्थान और गुजरात तक भी पहुँच गई है। एलुवियल सॉयल इज आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पार्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। ये जो नदियाँ हैं साउथ की नदियाँ हैं जो सिर्फ बरसाती पानी के साथ में चलती हैं, तो वहाँ तक कोस्टल रीजन में ये वाले जो कोस्टल रीजन होते हैं, ये वाले जो हैं ये अरेबियन सी के साथ में लगता है, ये गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये सारा जो कोस्टल रीजन का दिखाया गया है। और यहाँ पर ये येलो कलर का जो दिखाया गया है, यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ इधर आके अपना समुद्र में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो यहाँ पर भी ये जो डेल्टाज हैं वहाँ पर भी यही मिट्टी है हमारी। तो ये एलुवियल सॉयल, द एलुवियल सॉयल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। प्रोपोर्शन जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले का मिक्स होता है। एज वी हैव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर्स वैली, सॉयल पार्टिकल्स अपीयर सम दैट बट विगर इन साइज। जैसे जैसे हम नदी की तरफ को जाते हैं तो वहाँ पर इसके साइज जो होता है वो बड़ा होता जाता है। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, यहाँ पर इसकी ढलान कम होती है। द सॉयल्स आर कोर्स, वहाँ पर जो मिट्टी है वो मोटी है। सच सॉयल्स आर मोर कॉमन इन प्लेडमेंट प्लेन्स सच एज द्वार्स, चोज एंड टेरल्स। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉयल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, यानी कितनी पुरानी सॉयल है उसके हिसाब से भी सॉयल का टेक्सचर देख के हम बता सकते हैं ये सॉयल कैसी है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉयल्स कैन बी क्लासीफाइड एज ओल्ड एलुवियल, जिसको बांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल उसको खादर कहते हैं। तो द खादर, जब बांगर सॉयल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर, उसमें बड़े बड़े कंकर्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, देन द खादर इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, जो खादर है उसके पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं, एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। तो जो खादर है वो बांगर से ज़्यादा फर्टाइल है, बांगर में कंकर होते हैं, खादर जो है वो बारीक मिट्टी होती है। एलुवियल सॉयल्स यानी तलछटी में पाई जाती है, जहाँ पर ढलान ख़त्म होती है वहाँ पर ये कंकर पाए जाते हैं, उसके बाद आगे फिर फाइन मिट्टी पाई मिलती है। एलुवियल सॉयल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, तो एलुवियल सॉयल जितने भी हैं सारी ज़्यादा करके बहुत उपजाऊ होती है। मोस्टली दीज सॉयल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स। तो इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा करके पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि गन्ना, चावल और गेहूं उगाने के लिए और दालें उगाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं।
तो इसकी इतनी उपयोगिता के कारण जिस रीजन्स में, जिस इलाके में एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर इन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। सॉइल इन ड्रायर एरियाज आर मोर एल्केलाइन, खुश्क इलाकों की जो मिट्टी है वो बेसिक है, यानी कि वो एल्केलाइन है, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एंड इरिगेशन। तो सिंचाई के द्वारा और ट्रीटमेंट के द्वारा ये वाली मिट्टी जो होती है उपयोगी बन जाती है।